नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जम्मू लिंक्स न्यूज़ में और मैं हूं विशाल शर्मा। सिख समाज के लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबर है और ये खबर आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब या ये कहें कि केंद्र सरकार की तरफ से, और ये खबर है करतारपुर कॉरिडोर से जुड़ी हुई, जिसे कल से दोबारा खोला जा रहा है और सभी जो सिख संगत है उसके लिए ये काफ़ी अच्छी खबर है। और ये जो ट्वीट किए गए हैं, सीरीज ऑफ ट्वीट में ये जानकारी दी गई है, अमित शाह की तरफ से ये ट्वीट आए हैं और लिखा गया है कि इन अ मेजर डिसीजन दैट विल बेनिफिट लार्ज नंबर ऑफ सिख पिलग्रिम्स, पीएम नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू रीओपन द करतारपुर साहब कॉरिडोर फ्रॉम टुमारो नवंबर 17। दिस डिसीजन रिफ्लेक्ट्स द इमेंस रेवरेंस ऑफ मोदी गवर्नमेंट टुवर्ड्स सिख, टुवर्ड्स श्री गुरु नानक देव जी एंड अवर सिख कम्युनिटी। तो यानी कि दोबारा से करतारपुर साहब कॉरिडोर जो है उन्हें खोला जा रहा है और ये सीधे तौर पर आप ये कहें कि जो सिख समाज है उसे बहुत बड़ा आप ये कहें कि एक तोहफा है। और द नेशन इज़ ऑल सेट टू सेलिब्रेट द प्रकाश उत्सव ऑफ श्री गुरु नानक देव जी ऑन 19th of November, यानी कि 19 तारीख को प्रकाशोत्सव बनेगा। एंड आई एम श्योर दैट पीएम नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट डिसीजन टू रीओपन द करतारपुर साहब कॉरिडोर विल फर्दर बूस्ट द जॉय एंड द हैप्पीनेस अक्रॉस द कंट्री। यानी कि इस प्रकाशोत्सव जो कि 19 तारीख को मनना है, और ऐसे में करतारपुर साहब कॉरिडोर का खुलना इस प्रकाशोत्सव की जो खुशी है उसे दुगना करेगा, उसे बूस्ट करेगा और कहीं ना कहीं जो हमारा सिख समाज है उसके लिए ये एक बहुत ही अच्छी खबर है कि करतारपुर कॉरिडोर जो है उसे अब दोबारा जो है वो खोला जा रहा है, कल से ये खुल जाएगा। और आपको मैं जानकारी दे दूं कि ये एक वीज़ा फ्री ये एंट्री रहती है और इसी के ज़रिए जो हमारी सिख संगत है ये जो वहाँ पर गुरुद्वारा है, ये वहाँ पर गुरुद्वारा दरबार साहिब जो पाकिस्तान में है और भारत पाकिस्तान सीमा के करीब 5 किलोमीटर अंदर हैं, तो ये एक वीज़ा फ्री कॉरिडोर रहता है, वीज़ा फ्री एंट्री रहती है। इसके ज़रिए जो सिख संगत है ये वहाँ गुरुद्वारा साहब में जाती है और इससे पहले ये बंद हो चुका था और अब मोदी सरकार ने ये फैसला लिया है कि इसे पुनः खोला जाएगा। और ये फैसला जो है ये एक मीटिंग के बाद लिया गया जिसमें बीजेपी के MP जो कि पंजाब से थे उनके साथ मीटिंग हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रविवार को, और उसके बाद आज मंगलवार को ये ट्वीट करके जानकारी जो है वो दे दी गई है कि इस कॉरिडोर को जो है वो खोला जाएगा। और ऐसे में प्रकाशोत्सव जो है वो 19 तारीख को है, तो सिख समाज, सिख संगत जो है उसके लिए खुशी जो है उसे दुगना या आप ये कहें कि कई गुना बढ़ाने वाली ये जानकारी है, ये खबर है कि करतारपुर कॉरिडोर साहब करतारपुर जो है वो अब ओपन हो जाएगा और अब दोबारा से बड़ी आसानी के साथ जो है वो हमारे जो सिख संगत है वो दोबारा जो पाकिस्तान में जो स्थित है गुरुद्वारा दरबार साहिब वहाँ पर जा पाएंगे। और हालांकि अगर बात करें तो मौजूदा समय में जिस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं हमारी पाकिस्तान के साथ, ऐसा लग नहीं रहा था कि ये संभव हो पाएगा, लेकिन ये संभव हुआ है और अमित शाह के ट्विटर हैंडल से ये जानकारी जो है ये साझा की गई है। और कहीं ना कहीं आप ये कहें कि एक बूस्ट है, एक खुशी की लहर है सिख समाज के लिए कि इस प्रकार का जो कदम है वो उठाया गया है। और यही जानकारी है कि जो पंजाब के MP थे BJP के, उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, उन्होंने ये मांग रखी कि इस कॉरिडोर को जो है वो पुनः ओपन किया जाए। और उसके बाद अब ट्वीट के ज़रिए ये जानकारी दे दी गई है कि ये कॉरिडोर जो है ये कल से खोल दिया जाएगा, करतारपुर साहब कॉरिडोर जो है वो कल से खुल जाएगा। और कहीं ना कहीं सभी जो सिख समाज के लोग हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है, उनके लिए यह अपने आप में एक धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई ये कहें कि मेजर बूस्ट देने वाली ये खबर है। आप देखते रहिए जम्मू लिंक्स न्यूज़। नमस्कार।